हेलो स्टूडेंट्स, तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 8, रीचिंग एट ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, तो अब वहाँ पे पहुँचने से पहले ओमाना और उसकी फैमिली वलियामा के घर गए। ठीक है, वलियामा के घर से वलियामा की फैमिली और वो 10 लोग, ठीक है, अमूमा के घर के लिए निकले थे। तो काफ़ी लंबा उन्होंने बस से ट्रैवल किया था। आफ्टर दैट उनको आगे फेरी लेनी पड़ी थी। ठीक है, तो जो ओमाना थी बिल्कुल रेलिंग के साथ खड़ी थी ताकि वो देख पाए। तो उसने काफ़ी ज़्यादा रिवर बैंक पे लोग देखे थे जो मछलियाँ पकड़ रहे थे, नहा रहे थे, कपड़े धो रहे थे या अदर एक्टिविटीज़ वो कर रहे थे। ठीक है, सो आज हम आगे का रीड करते हैं थोड़ा सा। जस्ट बिफोर द सन डिसअपीयर इन टू द वाटर द फेरी रीच द आईलैंड एंड स्टॉप्ड। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ। At last we reached Amuma's place. What a long and interesting journey it has been. ठीक है, तो जैसे ही सन डूबने लगा, ठीक है, तो वो जो थी फेरी जो थी एक आइलैंड पे रुक गई और पहुंच गई और रुक गई वहाँ पे जाके। ठीक है, अब उनका टाइम था कि वो नीचे उतरेंगे फेरी से। At last वो अमूमा के घर पहुंच गए। तो बोला कितनी अच्छी और अनोखी हमारी इंटरेस्टिंग और कितनी लंबी जर्नी थी। ओमाना ट्रेवल बाय डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। कैन यू रिमेंबर व्हाट दीज वर। ठीक है, जब ओमाना ट्रेन से उतरी थी उसने डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स लिए थे, ठीक है, वलियामा के घर जाने के लिए, देन वलियामा के घर से अमूमा के घर जाने के लिए। तो आपको याद है कौन कौन से उसने ट्रांसपोर्ट्स लिए थे? सो स्टेशन से वलियामा के हाउस तक उन्होंने ऑटो रिक्शा लिया था। आफ्टर दैट उन्होंने बस ली एंड उसके बाद उन्होंने एक फेरी ली थी। ठीक है, ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल। आपने कौन कौन से व्हीकल पे ट्रैवल किया है, ठीक है, उनके नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं। विच राइड डिड यू इंजॉय द मोस्ट एंड वाई। ठीक है, आपको कौन सी जो राइड थी, कौन से व्हीकल में घूमना ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, और क्यों? ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 May। हाउ मैनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अमूमास प्लेस। ओमाना अहमदाबाद से 16 May को चली थी, तो अमूमा के घर पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा था, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो आप दोनों चैप्टर्स में देख सकते हो। ठीक है, तो 2 days तो उनको ट्रेन में लगे थे। आफ्टर दैट उनको 1 day लग गया अमूमा के घर पहुंचने के लिए। हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो। ठीक है, क्या कभी आप इतनी लंबी जर्नी पे गए हैं? ठीक है, अगर गए हैं तो कहाँ गए हैं? ठीक है, नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी। ठीक है, आपने जब लॉन्ग जर्नी करी है, ठीक है, आपने कौन कौन से व्हीकल से ट्रैवल किया है अपनी जर्नी के दौरान, वो आपने लिखना है। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक। कितना लंबा सफ़र था, कितना टाइम लगा आपको वो जर्नी तय करने में। ठीक है, ओमानास अपा बॉट टिकट्स फॉर द ट्रेन एंड द बस। Can you think of other means of transport for which we need to buy tickets? ठीक है, तो अप्पा ने, ठीक है, जो ओमाना के पापा थे उन्होंने ट्रेन और बस के लिए टिकट खरीदी थी। ठीक है, तो अदर ऐसे कौन से ट्रांसपोर्ट्स हैं जिनके लिए हमें टिकट खरीदनी पड़ती है? ठीक है, तो एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कोई भी काइंड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो उसके लिए हमें टिकट खरीदनी पड़ती है। ठीक है, Sometimes we need to buy tickets to enter a place. Can you think of such places? ठीक है, तो कई बार हम किसी जगह पे जाते हैं जैसे घूमने गए तो उसके लिए भी एंट्री टिकट लगती है। ठीक है, तो आपको याद है कि कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं? ठीक है, तो आई थिंक आप लोग गए भी होंगे वहाँ पे। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट। फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देम With different color and discuss. ठीक है, अपने pictures देखनी है। ठीक है, ticket की ये दी हुई है, अपने informations collect करनी है और उनको circle करना है with different, देखो first है the train number। ठीक है, तो train number देखो कहाँ पर लिखा है।
ये तो इसको आपने एक कलर से, डिफरेंट कलर से आपने लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना भी है द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ जर्नी, ठीक है, जर्नी कब शुरू होने वाली है, ठीक है, वो लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो वो 16 मई को चले थे, ठीक है। ये गाड़ी का नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये डेट दी हुई है, ठीक है, फिर आगे ये डिस्टेंस दिया है, ठीक है, कितने लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं, ये 2, ठीक है, कितने बच्चे हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है 1, ठीक है। और फिर कॉस्ट, ठीक है, कि कितना पैसा लगेगा, ठीक है, तो ये देखो ये 75 रुपीज़ या 2578 ओनली, ठीक है, ये देखो ये टिकट का टोटल प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो भी है द बर्थ एंड द कोच नंबर्स, ठीक है, तो यहाँ पे बर्थ और कोच नंबर भी है, ये देखो ये कोच नंबर है, ठीक है, यहाँ पे बर्थ नंबर भी है, क्लियर। सो ये कहाँ से कहाँ तक जानी है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की टिकट है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से सर्कल करनी है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।